मध्य प्रदेश की रतलाम जिले की ढोडर पुलिस ने ढोडा चूरी की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी की लंबाई सिर्फ 2.5 फीट है और चेहरे की मासूमियत और कद काठी देखकर वह बच्चा लगता है, लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि वह कोई बच्चा नहीं बल्कि 20 साल का जवान है। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से 2.5 क्विंटल ढोडा चूरी भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तस्करों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 16 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि पकड़े गए तस्करों की पहचान हरनेक सिंह निवासी संगरूर पंजाब और सुरेंद्र सिंह निवासी हरेऊ पंजाब के रूप में हुई है। दोनों ट्रक में धनियों की बोरियों के बीच में ढोडा चूरी छिपा कर ले जा रहे थे। पुलिस को इसकी खुफिया सूचना मिली तो पुलिस ने नाकेबंदी कर ट्रक को जावरा नया गांव फोरलेन के कला लिया फंटे पर रोक लिया। ट्रक की तलाशी में 12 कट्टे ढोडा चोरी के मिले और पुलिस ने जब इन कट्टों का वजन कराया तो इनका वजन 2.5 क्विंटल निकला, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपया की गई है। वहीं बता दें कि जब पुलिस ने ट्रक चालक और उसके साथ बैठे छोटे से लड़के को देखा तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि जिसे वह छोटा सा लड़का समझ रहे हैं वह 20 साल का युवा है, जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है और वह इस तस्करी में शामिल है। पकड़े जाने के बाद आरोपी सुरेंद्र खुद को निर्दोष बताते हुए छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस के सामने उसकी एक ना चली। उधर आरोपी तस्कर हरनेक सिंह और सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को अदालत ने 16 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस जब दोनों तस्करों को अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी तो आरोपी तस्कर सुरेंद्र कभी पुलिस कर्मियों की गोद में तो कभी अपने साथी तस्कर हरनेक की गोद में दिखाई दिया, और जिस ट्रक में तस्करी की जा रही थी वह आरोपी सुरेंद्र की माँ के नाम है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।